यूपी के बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुग की बेटे ने बुलेट गाड़ी नहीं दिलाने पर मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कुहाड़ा पीर गांव की है। पुलिस के मुताबिक 17 जनवरी को फरीदा बेगम अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान बुलेट खरीदने के लिए अपनी माँ से आरोपी का विवाद हुआ था। इसी दौरान मृतिका के बेटे अफसय खान उर्फ लक्की ने अपनी माँ को रसोई में लोहे के रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए कई तरह की कहानी बनाई। आखिरकार पुलिस ने जब कड़ाई से मृतिका के बेटे से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। अभी इसकी डिटेल्ड पूछताछ से और इंटरोगेशन के बाद इस व्यक्ति ने, इसी के पुत्र ने स्वीकारा है कि इसने 17 की शाम को 4:30 से 5:15 के बीच में अपनी माँ से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर पैसों की मांग की, तो उसने, माँ ने मना कर दिया। इसी बहस के बीच इसी पुत्र ने रसोई में स्थित एक सरिया रॉड से, लोहे की रॉड से अपनी माँ के सर पे दो चोट मारी, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अफसर खान, जो कि इसमें अक्यूज्ड है, इसने घटना को छुपाने के लिए उस रॉड को नाले में फेंक दिया और इस तरह से ये बिहेव करता रहा कि घटना छुपी रहे, और एलिगेशन इस तरह से लगाता रहा कि किसी बाहर के किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है।